दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। मैं ज्योतिषाचार्य अनुज जैमिनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सनातन धर्म रहस्य में आपका स्वागत है। मित्रों, नई जानकारियों के साथ हम आपके सामने आते हैं और आपको नई नई रोचक जानकारियां देते हैं धर्म के बारे में। और भी जानकारियां हम आपको देते रहेंगे। हमारी एक श्रृंखला चल रही थी अग्नि परीक्षा के बारे में। जी हाँ मित्रों, माता सीता के बारे में, माता सीता की अग्नि परीक्षा मिथक या सत्य। इस श्रृंखला में हमने पहले प्रमाण दिया था कि जो कुछ लोगों ने, कुछ तथाकथित लोगों ने जो स्वयं को विद्वान समझते हैं, माता सीता की अग्नि परीक्षा को झूठा सिद्ध करने के लिए अपने मन मर्जी के तर्क दिए थे और गलत श्लोक एडिट करके दिए थे। उसको हमने सही करेक्ट करके बताया था कि सही क्या है। इस वक्त मैं सिद्धेश्वर मंदिर में बैठा हूँ। ये इधर वटवृक्ष है, बहुत पुराना है और यहाँ की महत्ता बहुत ज़्यादा है। तो मैंने सोचा इसी मंदिर में आपके समक्ष मैं बताऊँ। अभी फ़िलहाल मंदिर के पट बंद हो चुके हैं। श्री राम दरबार के सामने ही मैं बैठा हूँ अभी, और उनके ही सन आशीर्वाद के नीचे मैं आपके समक्ष अग्नि परीक्षा के बारे में बताना चाहता हूँ कि वास्तव में अग्नि परीक्षा क्या थी, मिथक थी या सत्य। मित्रों, आज मैं इस वीडियो में कुछ बातें आपको बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के पश्चात जो माता सीता की अग्नि परीक्षा को लेकर झूठा बहम डालते हैं और कहते हैं कि ये स्त्रियों की, नारी जाति की अपमान की पराकाष्ठा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अग्नि परीक्षा तो केवल एक लौकिक लीला थी भगवान राम और सीता माता की। इसके पीछे कारण रामचरितमानस के अध्याय उसमें अरण्य कांड में वर्णन दिया है, चौपाइयाँ दी हैं। उसके अनुसार ये ऐसा वर्णन आता है कि भगवान श्री राम ने माता सीता को कहा कि अब मेरी नरलीला करने का समय आ गया है और राक्षसों के संहार मुझे करना है, तो अच्छा ये है कि तुम अब अग्नि में प्रस्थान करो। तो इसी के पश्चात ही माता सीता अग्निदेव के साथ प्रस्थान कर गई और अपनी जगह एक दूसरी छाया सीता रख दी, और उसी छाया सीता को रावण हर कर ले गया। और फिर युद्ध में रावण वध के पश्चात भगवान श्री राम ने उसी छाया सीता को अग्नि में प्रवेश की आज्ञा दी, और अग्नि में प्रवेश की आज्ञा के साथ ही वो माया सीता जलकर नष्ट हो गई और जो वास्तविक सीता थी वो सामने आई, जो उसमें जनक नंदिनी थी, भूमि सुता थी, भूमि से प्रकट हुई थी। तो इस तथ्य को लोग भ्रामक मानते हैं, तुलसीदास बाबा को मानते नहीं हैं। परंतु दूसरी बात ये बोलते हैं कि ये तथ्य इस अग्नि परीक्षा को की गरिमा को बचाने के लिए तुलसीदास बाबा जी ने मिलावटी बात अपनी तरफ से रखी। मित्रों, वास्तव में सत्य तो ये है कि उन्होंने कुछ भी अपनी तरफ से मिलावटी नहीं रखा, बल्कि इसका प्रमाण पद्म पुराण में भी है और ब्रह्म वैवर्त पुराण में प्रकृति खंड में इसका वर्णन है। भगवान श्री राम ने माता सीता को आज्ञा दी थी, तब भगवान श्री राम ने ही माता सीता की एक माया सीता को, छाया सीता को प्रकट किया था, रचा था, और उसी माया सीता को रावण हर कर ले गया था। यही आप को मैं बताऊं, वाल्मीकि रामायण में ये बात नहीं है, परंतु आनंद रामायण में इसका उल्लेख है, अद्भुत रामायण में इसका उल्लेख है, और इसी का उल्लेख पद्म पुराण में भी आता है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी आता है। और करपात्री जी महाराज महाभाग ने इसका वर्णन किया है इस घटना का। तो अग्नि परीक्षा के बारे में ये बात है, ये तथ्य है, परंतु इसको भगवान श्री राम ने गुप्त रखना था, इसीलिए अग्नि परीक्षा का नाम दिया गया। ये भगवान नहीं चाहते थे कि ये तथ्य सबके सामने आए। इसका मोटा मोटा मैं बताऊँ, इसका कारण यही था कि भगवान के मायावी होने का आरोप लग सकता था। दूसरी बात, भगवान को केवल अपनी परब्रह्मता को छिपा कर रखना था, क्योंकि ये मनुष्य अवतार था और मनुष्य रूप ही उनको दिखाना था, मनुष्य लीला ही उनको करनी थी। तो
अब वाल्मीकि रामायण को के अलावा और किसी रामायण को माने ही नहीं कोई, तो ये तो एक अधूरी बात है। बिल्कुल वैसे ही कि जो दोनों हाथों की बजाय केवल एक हाथ का समर्थन करे तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि भगवान श्री राम का चरित्र इतना विशाल है कि उनको एक पुस्तक में बांध पाना संभव नहीं है। वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण लिखी, वाल्मीकि रामायण के बाद में आनंद रामायण लिखी, आनंद रामायण, अद्भुत रामायण और आर्ष रामायण, और इसी वाल्मीकि रामायण में ये भी वर्णन है उत्तरकांड में कि महर्षि अगस्त्य ने भगवान श्री राम को रामायण सुनाई थी। तो मित्रों, ये जानकारी आपको कैसी लगी इसके लिए कमेंट जरूर करें और सजेशन दें, और आपसे विनती है कि एक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।